दोस्तों नमस्कार। बेहद बड़ी खबर इस समय की निकल के आ रही है। ईवीएम का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ठीक उससे पहले ईवीएम के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। दोस्तों आपको बताते चलें, 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है, क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है और यूपी जीतना बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से। इसीलिए बीजेपी वाले ईवीएम में गड़बड़ी कर सकते हैं। एक सामाजिक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएँ। वहीं दोस्तों सूत्रों के अनुसार खबर निकल के आ रही है कि 2 सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर राजी हो सकता है और जो भी तथ्य हैं उस पर चुनाव आयोग से जवाब मांग सकता है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर सकता है। याचिका में इस बात को तथ्य बनाया गया है कि विकसित देश और साथ में विकासशील देश भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं, चाहे फिर वह अमेरिका का ही चुनाव क्यों न ले लिया जाए, वहां भी बैलेट पेपर से मतदान संपन्न कराए जाते हैं, तो फिर भारत में ईवीएम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग भी ईवीएम का विरोध करते हैं और बैलेट पेपर के पक्ष में हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।